दिया ड्राइवरलेस ट्रेन सेवा तो दिल्ली मेट्रो में शुरू की गई अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा और मेजेंटा लाइन पे शुरू की गई। इंडिया का फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी कहाँ खोला गया है? गुजरात में। मैक्सिमम लियोपार्ड तो कहाँ पे? एमपी में, मध्य प्रदेश में। 3421 इनकी नंबरिंग है, मतलब 3421 यहाँ पे पाई जाती नंबर है। और 100% ऑर्गेनिक जो प्राइज मिला है वो किसको मिला है? तो लक्षद्वीप को मिला है, जो कि एक यूटी है, मतलब यूनियन टेरिटरी है। इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल तो ये चंद्रभागा बीच ओडिशा में अभी मनाया गया था। यूनेस्को हेरिटेज सिटी ने इंक्लूड किया है ग्वालियर और ओरछा को, तो अब टोटल कितनी हो गई हैं? 40 जो है सिटीज हो गई हैं। डीआरडीओ ने अभी 1 जनवरी 2021 को इसका एस्टैब्लिशमेंट डे मनाया, और कौन सा एस्टैब्लिशमेंट डे था? तो 63rd एस्टैब्लिशमेंट डे था। कोइलवर पुल जो है वो सोन नदी पर है, जो कि बिहार में है। रामसर साइट, 42nd रामसर साइट जो है वो लद्दाख की टसोकर, नाम याद रखिएगा, रामसर साइट 42nd जो है वो टसोकर ऑफ लद्दाख को चुना गया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे इंडेक्स की बात की गई, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, इंडेक्सेस आते ही आते हैं, सो आप इनको प्रिपेयर जरूर करिए। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 111 है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेशन मिला था, जो कि हैदराबाद में है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 जो है उसमें फर्स्ट रैंक नॉर्वे की है और इंडिया की 131 रैंक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 10 है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 कहाँ पे होगा? तो सिंगापुर में होगा। 8th ऑयल रिजर्व, ऑयल एंड गैस रिजर्व यहाँ पे होगा, गैस लिखना भूल गया, तो 8th ऑयल एंड गैस रिजर्व कहाँ खोला जाएगा? वेस्ट बंगाल में। 96th तानसेन सम्मान पंडित सतीश व्यास जी को मिलेगा। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड तो हेमंत कुमार पांडे जी को मिला। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो A68A है, ये क्या है? एक आइसबर्ग है, आइसबर्ग या हिमखंड बोल सकते हैं। A68A एक आइसबर्ग या हिमखंड है। INS सिंधु वीर पनडुब्बी ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड बाय म्यांमार ने इसको एक्सेप्ट किया था। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2020 ये किसके द्वारा होस्ट की गई? तो एस जयशंकर के द्वारा होस्ट की गई। G7 समिट 2020 कहाँ पे होगी? ब्रिटेन में हुई थी। एंड मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट किसने पास किया? तो यूएसए ने पास किया। मैंने एक मिनी मॉक टेस्ट करवाया था, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया था। अमेरिकन स्पेस फोर्स का नाम क्या है? गार्जियंस। नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम विद्या देवी भंडारी। इंडिया का फर्स्ट पॉलिंटर पार्क तो उत्तराखंड। 3500 की हाइट पे सबसे ऊंचा मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो खोला गया है वो कहाँ? लेह में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन लीनियर। अमर सिंह कॉलेज जो है उसको यूनेस्को प्राइज मिला है, जो कि श्रीनगर में है। अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को प्राइज मिला है, जो कि श्रीनगर में है। द लीजन ऑफ मेरिट इज अवार्डेड टू मोदी बाय यूएसए। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनको लीजन ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया गया है, जो कि किसने दिया है? तो यूएसए ने दिया है। हॉकर कल्चर, हॉकर कल्चर की अगर बात आती है तो हॉकर कल्चर कहाँ का है? सिंगापुर का है। और एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड रतन टाटा जी को मिला है। एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड रतन टाटा जी को मिला है। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ तो विद्युत मोहन को मिला है। और 2020 के फोर्ब्स में वर्ल्ड मोस्ट अर्निंग सेलिब्रिटी, मतलब जिसकी जो सबसे महंगी, जिसकी जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा है, रिचेस्ट बोल सकते हैं, तो काइले जेनर है, जो कि यंगेस्ट हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 का सेल को मिला है, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और बंगबंधु अवार्ड जो है वो बांग्लादेश को मिला है, सॉरी बंगबंधु अवार्ड जो है वो बांग्लादेश के द्वारा स्टार्ट किया गया है। टाइम मैगजीन 2020 पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो जो बिडेन और कमला हैरिस को मिला है। फिट इंडिया मूवमेंट जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हांडू जी को चुना गया है, जो कि वुशू से रिलेटेड है। टाइम मैगजीन फर्स्ट टाइम जो है ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैगजीन का ये अभी फर्स्ट टाइम दिया गया है किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसको? गीतांजलि राव जी को। ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, तो रंजीत सिंह दिसाले जी को दिया गया है।
चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड जो है वो बजरंग पूनिया और इलावेरिन वलारविन को दिया गया है, वलारिवन को दिया गया है। और वन डे फास्टेस्ट स्कोरर 12,000 वन डे में जो फास्टेस्ट स्कोरर हैं जिनके 12,000 रन बनाए वन डे में, तो वो विराट कोहली जी ने बनाए हैं। एशिया क्रिकेट 2021 कहाँ होगा, जो एशियाई वाले क्रिकेट होने हैं 2021 का, वो श्रीलंका में होगा। इंटरनेशनल ओलंपिक्स में अभी ब्रेक डांसिंग को इंक्लूड किया गया है ताकि उसमें और जो ऑडियंस आए वो और ज़्यादा एंगेज हो सके, इंजॉय कर सके। इंडिया की 67th ग्रैंड मास्टर कौन है, तो लियोनेल मेंडोका, और CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं। NHAI के चेयरमैन सुखबीर सिंह संधू को अपॉइंट किया गया है, और WHO फाउंडेशन के CEO अनिल सोनी जी को अपॉइंट किया गया है। रेलवे के न्यू चेयरमैन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सुनील शर्मा जी को अपॉइंट किया गया है। रेलवे के फर्स्ट CEO कौन थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं द सिटी एंड द सी द रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड 2020 किसको मिला है, राजकमल झा को। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड 2020 किसको मिला है, तो ये मिला है राजकमल झा जी को। और इनकी जो रचना है वो क्या है, राइटिंग है वो क्या है, द सिटी एंड द सी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि द सिटी एंड द सी किसको मिला, द सिटी एंड द सी किसकी रचना है या किसकी बुक है, तो राजकमल झा जी की बुक है। या अवार्ड किसको मिला रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड 2020 का, तो राजकमल झा जी को मिला। किस बुक के लिए, तो द सिटी एंड द सी। रिवाइज जरूर करिएगा गाइज, रिवाइज करे बिना नहीं हो पाएगा एक बार वीडियो देखकर, ठीक है। तो या तो आप इसको नोट करते चलिए मेरे साथ साथ, या फिर रिवाइज जरूर करिएगा। वर्ल्ड की टॉप 100 पावरफुल वुमेन की अभी लिस्ट आई थी, तो उसमें एंजेला मॉर्केल जी हैं जो जर्मनी की चांसलर हैं, वो फर्स्ट रैंक उन्होंने हासिल की है। और निर्मला सीतारमन जी हैं जो हैं वो 41st रैंक पे हैं। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड तो महेंद्र सिंह धोनी जी को मिला है, और BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर तो ये लुइस हैमिल्टन को मिला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का जो है वो हरियाणा में होने हैं, और बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 का तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया है, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और देखिए यहाँ पे लिखा है पथश्री, थोड़ा सा मैं इसको जूम करना चाहूँगा, दिस वन। ये देखिए पथश्री जो अभियान है वो वेस्ट बंगाल का है। इसरो ने अभी जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की बाय CMS-01 से। सैटेलाइट का नाम क्या है, CMS-01। फ्लैग होस्टिंग एट मून तो सेकंड जो है वो चाइना है जिसने चांद पर अभी झंडा फहराया है। फर्स्ट टाइम जो है यूएसए ने फहराया था, और किस मिशन के थ्रू, तो मिशन अपोलो के थ्रू जो 1969 में हुआ था। फ्रूट्स, यहाँ पे फ्रूट्स पोर्टल एक लॉन्च किया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, किसके लिए है, फार्मर्स के लिए है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट देखें तो डिजीबॉक्स क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, प्लीज जल्दी से कमेंट करके बताइए। फिफ्थ स्कॉर्पियन पनडुब्बी देखें तो वागीर है, पहले करवाया था मैंने। और बुरेवी एक साइक्लोन था जो कहाँ आया था, मालदीव में आया था। नेक्स्ट अगर देखें तो इसरो के चेयरमैन के सिवान जी हैं, SOCHAM के विनीत अग्रवाल जी। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल फार्मर डे 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल मैथ्स डे, इंपॉर्टेंट है ये वाला, नेशनल मैथ्स डे 22 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड सॉइल डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे। एंड वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं लास्ट स्लाइड है, जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो इस बार कुछ बढ़ चुकी है जो कि नोटिस की गई थी, तो 8848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की अभी जो है ऊंचाई हो चुकी है, 0.86 बढ़ चुकी है। तो आई एम नो मसीहा, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोनू सूद और मीना के अय्यर की बुक है ये, आई एम नो मसीहा। सो गाइस वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बताइए।